गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। अपनी पोएम द होप चल रही थी, द होप पोएम चल रही थी। अब उसका आगे वाला जो स्टेंजा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये अपने को पता है किसके द्वारा कंपोज की गई थी, राजन अग्रवाल के द्वारा। आज हम इसका अगला स्टेंजा पढ़ेंगे जिसमें इफेक्ट बताया गया है होप का। किस पे? नेचर पे। नेचर पे क्या इफेक्ट होता है होप का, उसके बारे में बताया गया। और नेचर भी कैसे शो करती है, बताती है, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करती है कि होप पर उनका कैसा प्रभाव दिखाई देता है। हम देखते हैं, देखो। इट इज द होप दैट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम। इट इज द होप, यह आशा ही है जो एक बर्ड यानी कली कली को स्टे ऑन कर देती है। किस पर? शाखा पर। और उसमें क्या ला देती है? बहार। अर्थात होप ही इसका एक रीजन है। किसका? कि वह एक कली को खिलने के लिए उसकी ब्रांच पे स्टे ऑन कर देती है। अर्थात होप क्या कर देती है कि एक बर्ड को इस तरह से तैयार करती है कि वह स्टे ऑन हो जाता है। किस आशा से? कि उसमें कभी बहार आएगी। अगली नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं। ट्रीज लूज देयर लीव्स विद ए होप that one day it will be laden with green leaves. Trees lose क्या कर देता है? जो पेड़ है वह पेड़ पे क्या प्रभाव होता है, पेड़ पे क्या इफेक्ट होता है होप का, वो हम देखेंगे। Trees lose their leaves with a hope कि trees भी अपनी एक आशा के कारण, कौन सी आशा के कारण, कि एक दिन। Trees lose their leaves with a hope, ट्रीज अपनी पत्तियों को क्या कर देता है, खो देता है, झाड़ देता है, गिरा देता है। दैट वन डे इट विल बी लेडन विद ए ग्रीन यूज, इस आशा से कि एक दिन। लेडन यानी क्या होता है? लदे हुए, कि एक दिन वह लद जाएंगे। किससे? हरे हरे कलर से। अर्थात उनमें नई पत्तियां, नई जो पत्तियां हैं वो स्प्राउट हो जाएगी, उनका अंकुरण हो जाएगा। होप इन लाइट्स, होप इन लाइटन्स द लाइफ्स ग्लूम थ्रू फेयर्स एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड द वार्मथ ऑफ द डे अहेड। होप, अब आगे देखिए, आगे क्या बता रहा है। होप इन लाइट्स, इन लाइट्स का मतलब होता है ब्राइट कर देना, प्रकाशित कर देना, कि जो आशा है वह जीवन की ग्लूमी, ग्लूमी यानी क्या होता है, यहाँ पर ग्लूमी है, ये आपकी बुक में सही नहीं दिया हुआ है, ग्लूमी दे दिया। तो देखो, होप एंड लाइट्स, होप इन लाइट्स द लाइट्स ग्लूमी थ्रोफेयर्स। थ्रोफेयर्स का मतलब होता है जो रास्ते होते हैं, गलियां होती है, उनके लिए यूज किया गया है। ग्लूमी का मतलब होता है बिल्कुल निराशा से परिपूर्ण, अर्थात अंधकार से परिपूर्ण, अर्थात बिल्कुल सैडनेस से परिपूर्ण। वो ये कह रहा है कि होप क्या करता है कि हमारे जीवन की जो उदासी से परिपूर्ण जो रास्ते होते हैं एंड उनको क्या कर देता है, प्रकाशित कर देता है। फिर से देखते हैं इस लाइन को। होप क्या करता है? प्रकाशित कर देता है, ब्राइट कर देता है। किसको? हमारे जीवन की, किसको? हमारे जीवन के जो ग्लूमी थ्रोफेयर्स है, अर्थात जो हमारी ग्लूमी थ्रोफेयर्स यानी जो रास्ते, आम रास्ते है, उनको क्या कर देता है, ग्लूमी जो रास्ते होते हैं उनको क्या कर देता है, प्रकाशित कर देती है। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ, और क्या कर देता है, हमें भर देता है। किससे फील करा देता है, हमें क्या चीज फील करा देता है, ये जो होप है वो क्या चीज फील करा देती है हमें, फ्रेशनेस और वार्मथ, हमारे अंदर गम जोशी भर देती है और हमें क्या कर देती है, उत्साह से परिपूर्ण कर देती है। वार्मथ का मतलब होता है गमजोशी भर देना, और यहाँ पर फ्रेश यानी तरोताजा कर देती है। ऑफ द डेज अहेड, आने वाले दिनों के लिए। अर्थात हम फिर से देखते हैं, देखो इन लाइनों को। इट इज द होप दैट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ए ब्लूम, कि ये होप ही है जो क्या करती है, एक कली को बनाए रखती है। किस पे बनाए?
बनाए रखती है एक शाखा पर, किस आशा से कि उसमें एक दिन बहार आएगी। इसका रीजन क्या है? होप। अगली लाइन में देखते हैं, ट्रीज लूज देयर लीव्स विद ए होप, कि जो पेड़ है वह अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं, गिरा देते हैं, किस आशा से कि एक दिन, दैट वन डे, कि एक दिन ऐसा होगा कि वह क्या होगे, लद जाएंगे, किससे? हरे हरे कलर से, अर्थात उनमें हरी हरी पत्तियां आ जाएगी। होप इनलाइटन्स द लाइफ ग्लूमी थ्रोफेयर्स, होप क्या कर देती है, प्रकाशित कर देती है हमारे जीवन के ग्लूमी जो रास्ते हैं, अर्थात निराशा से परिपूर्ण, उदासी से परिपूर्ण हमारे जो भी रास्ते होते हैं जीवन को, उनको प्रकाशित कर देती है। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वॉर्म्थ, और हमें भर देती है, किससे भर देती है, कि हमें गर्म जोशी से अर्थात उत्साह से भर देती है, और हमें क्या कर देती है, तरोताजा कर देती है, किसके लिए कर देती है, ऑफ द डेज अहेड, आने वाले दिनों के लिए, आगे आने वाले दिनों के लिए हमें बहुत ज्यादा फ्रेश कर देती है और हमें गर्म जोशी भर देती है। इस तरह से ये जो अगला स्टेंजा है अपना कंप्लीट होता है। इसको इस तरह से देखना है, इसमें जो हार्ड वर्ड है वो है एक बर्ड, फर्स्ट ये हो गया, दूसरा ब्रांचेस, ब्रांच, स्टे ऑन, ब्लूम, लूज, लीव्स, ओके, ये सारे अपने इसमें हार्ड वर्ड। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए।